भारतीय टीम को 22 बॉलों में चाहिए 98 रन। अभी तक 18 रन बना चुकी है भारतीय टीम। कप्तान रोहित शर्मा 5 बॉलों पे 8 रन बनाकर स्ट्रगल कर रहे हैं। सुमन गिल आउट होके चले गए हैं, लेकिन विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में, और भारतीय टीम को यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। 22 बॉल 98 रन, सामने है रोहित शर्मा। जी हाँ, पहली बॉल खेलेंगे रोहित शर्मा। अंदर आते हुए बॉल कट किया है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को। और अब स्ट्राइक पे आ गए हैं विराट कोहली, द रन मशीन, द किंग कोहली। और कोहली किस तरीके से शुरुआत करेंगे इस मुकाबले की। 21 बॉलों पे चाहिए 97 रन। धीरे धीरे ये मुकाबला साउथ अफ्रीका की झोली में जाता हुआ, ये लगातार 3 बॉलों पे अगर 3 छक्के आते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए ये मौका रहेगा। सामने है कोहली, ओ चूके हैं कोहली, और ये है डॉट डिलीवरी। जी हाँ, ये डॉट डिलीवरी है। विराट कोहली पहली बॉल पे कुछ कर नहीं पाए हैं। मार्क वुड आग उगलते हुए बहुत ही तेज गेंदबाजी कर रहे हैं मार्क वुड। इंग्लैंड टीम अपनी 5वीं बॉल करेगी दूसरे ओवर की। भारतीय टीम लगातार संघर्ष करती हुई इस मुकाबले में, लेकिन इसी बीच करारा प्रहार, बॉल है हवा में, नीचे फील्डर जाते हुए, लेकिन फील्डर बन जाएंगे दर्शक। करारा प्रहार विराट कोहली के बल्ले से, आखिरकार 6 रन प्राप्त करेंगे भारतीय बल्लेबाज। जी हां, भारतीय बल्लेबाज यहां पे कमाल करते हुए छक्का जड़ा है विराट कोहली ने। और ये जो छक्का है, क्या ये जीत की तरफ अग्रसर होगा, ये देखना होगा। 19 बॉल 91 रन, स्कोर है बहुत बड़ा। इस बॉल पे छक्का चाहिए। ओह कमाल का पुल शॉट है ये, और देखे जाएगी 6 रन। विराट कोहली, जी हाँ, 134 मीटर का छक्का। और हम बात ही कर रहे थे कि भारतीय टीम को छक्का की आवश्यकता है, और वो कोहली ने करके दिखाया। लियाम प्लंकेट आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन हम देखेंगे उस बॉल पे किस तरीके से विराट ने ताबड़तोड़ छक्का लगाया था। ये देखिए, बहुत ही ऊंची गई थी बॉल, आखिरकार भारतीय बल्लेबाज को छक्का प्राप्त हुआ है। 18 बॉल 85 रन, सामने कप्तान रोहित शर्मा 6 बॉलों पे 9 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या भारतीय टीम जीत पाएगी दोस्तों, कमेंट करके बताएं, लाइक करें। एक बार फिर से तैयार है प्लंकेट की पहली बॉल, यहां पे नजाकत दिखाई, कमाल की फील्डिंग, यहां पे जान झोंकती नजर आ रही है इंग्लैंड की टीम। जी हां, जो इंग्लैंड की टीम है पूरी जान झोंक दी है इस मुकाबले में, और भारतीय टीम को बिल्कुल आसान हो नहीं रहा है यहां पे रन बनाना। 17 बॉल 84 रन, ये तो मुकाबला लगभग भारतीय टीम के हाथों से बाहर चला गया है। क्या अभी भी जीत सकती है भारतीय टीम? ओ ये लीजिए, विराट कोहली अलग ही फॉर्म में नजर आते हुए, आज के दिन एक और छक्का 117 मीटर का, कमाल का पुल शॉट खेला है विराट कोहली ने। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली, क्रीज की गहराई का बखूबी फायदा उठा रहे हैं। एक और कमाल का ताबड़तोड़ छक्का, 16 बॉल 78 रन, सामने है विराट कोहली, जो कि आज के दिन उनका बल्ला जिस तरीके से चल रहा है, ओ इस बार टाइम नहीं कर पाए। नीचे फील्डर है, कैच का मौका, कैच गवाया, और एक ही रन मिल पाएगा। 2 के लिए भागे जरूर थे, मना किया, और ये मुकाबला धीरे धीरे भारतीय पकड़ से बाहर जाता हुआ। दोस्तों कमेंट में बताएं कौन सी टीम यहां से जीत सकती है, आपको क्या लग रहा है इस मैच में कौन जीतेगा, अभी कमेंट करें। अगर आप देख रहे हैं 15 बॉल 77 रन भारतीय टीम, सामने है कप्तान रोहित शर्मा, बड़ा शॉट लगाना होगा कप्तान को, और जड़ा तो है, देखना होगा क्या ये बॉल छक्के के लिए जाएगी, और जी नहीं, चौके के लिए गई है। अब तो यहाँ पे लगभग हर बॉल पे छक्का चाहिए। रोहित शर्मा को बोलिए कि चौके से बात बनेगी नहीं, लेकिन कप्तान प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग शानदार हुई है आज इंग्लैंड की टीम के द्वारा। 14 बॉल 73 रन, ये मुकाबला धीरे धीरे फंसता नजर आ रहा है। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, और रोहित शर्मा की शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी फेवरेट बॉल है। अगर किसी बल्लेबाज की फेवरेट बॉल अगर आप करोगे
तो नतीजा तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। ये छक्का है, ये रोहित शर्मा के बल्ले से ताबड़तोड़ प्रहार है, ये छक्के के लिए गई है बॉल और भारतीय टीम की उम्मीद अभी भी जगी हुई है। अगर अंतिम बॉल पे भी छक्का आता है तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की उम्मीद बरकरार रहेगी। प्लंकेट को यहाँ पे डॉट बॉल निकालनी होगी, अगर डॉट बॉल निकालते हैं तो लगभग जीत तय हो जाएगी इंग्लैंड टीम की। रोहित शर्मा तैयार है बल्लेबाजी के लिए, बड़ा शॉट, टाइम नहीं कर पाए, नीचे फील्डर और सीधी जाएगी हाथ में बॉल, अंतिम बॉल। यहाँ तो डॉट के साथ विकेट मिला है प्लंकेट को, कमाल कर दिया प्लंकेट ने। क्या अभी भी भारतीय टीम यह मुकाबला जीत पाएगी? बचे हुए दो ओवर में देखना होगा। ये बहुत ही बड़ा विकेट लिया है प्लंकेट ने और कप्तान रोहित शर्मा का, और आज कप्तान अच्छे से बल्लेबाजी कर ही नहीं पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, निराश परेशान। और ये देखिए रिंकू सिंह को ऊपर भेजाया गया है, और रिंकू सिंह को ऊपर भेजाने का मतलब है कि जिम्मेदारी रहेगी रिंकू सिंह के ऊपर। पहली बॉल खेलेंगे चौथे ओवर की, रिंकू सिंह छक्का लगाना होगा। ओ शुरुआत की है ताबड़तोड़ अंदाज से रिंकू सिंह, ब्यूटी, कमाल कर दिया है रिंकू सिंह ने, आते ही पहली बॉल पे जड़ा है छक्का। क्या बची हुई पांच बॉलों पे भी बड़ा प्रहार कर सकते हैं रिंकू सिंह? कमेंट में बताएं, रिंकू सिंह के लिए एक लाइक तो बनता है। 11 बॉल 61 रन सामने है रिंकू सिंह। दूसरी बॉल, एक बार फिर से बड़ा प्रहार, इस बार बॉल बल्ले पे आई नहीं है, फील्डर जा तो रहे हैं रोकने के लिए, कैच पकड़ने के लिए, लेकिन 94 मीटर का छक्का गया है। आखिरकार रिंकू सिंह का जलवा अभी भी बरकरार है, दो बॉल दो छक्के रिंकू सिंह, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह इस मुकाबले में। भारतीय टीम यहाँ पे स्ट्रगल और संघर्ष करती हुई, आगाज अच्छा नहीं था भारतीय टीम का, क्या अंजाम अच्छा होगा ये तो रिंकू सिंह बताएंगे अगली चार बॉलों पे क्या करते हैं। जी हाँ, तीसरी बॉल करेंगे आदिल राशिद, सामने है रिंकू सिंह, एक बार फिर से करारा प्रहार, बॉल है हवा में और यहाँ पे देखना होगा क्या चौका मिला है। जी हाँ, यहाँ पे चौका मिला है रिंकू सिंह को, और चौके से बात बनेगी नहीं रिंकू सिंह, आपको छक्के लगाने होंगे, प्रयास पूरा है रिंकू सिंह का, ये शॉट कमाल का, ये रिंकू सिंह की बल्लेबाजी है। तीन बॉलों पे गदर मचा दिया रिंकू सिंह ने, भारतीय टीम भारत देश के लिए एक लाइक बनता है। भारत माता कमेंट कर दीजिए, जय हिंद कमेंट कर दीजिए, जिस तरीके से रिंकू सिंह खेल रहे। 9 बॉलों पे 51 रन सामने है रिंकू, क्या करेंगे कैसे करेंगे देखना होगा रिंकू सिंह। इस बॉल पे छक्का चाहिए रिंकू सिंह, कमाल कर दिया है, एक और छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से, क्या ये मुकाबला भारतीय टीम अभी भी जीत सकती है? और आप सोचिए विराट कोहली के सामने रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब है इनका वर्ल्ड कप में चयन होना तय नजर आ रहा है। 8 बॉल 45 रन सामने है रिंकू सिंह, 4 बॉलों पे 22 रन बना के, क्या रिंकू सिंह अभी भी इस हवा का रुख मोड़ सकते हैं? अगर इस बॉल पे भी छक्का आता है कहीं ना कहीं दिलचस्प रहेगा। जी हाँ, रिंकू सिंह 8 बॉल 45, एक बार फिर से रिंकू सिंह, आदिल रशीद बड़ा शॉट, बॉल बल्ले पे सही से आई है, जी हाँ आई है, और एक और छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से 101 मीटर का, आदिल रशीद नाराज परेशान नजर आते हुए। भारतीय टीम की कमाल की वापसी, रिंकू सिंह की कमाल की वापसी इस मुकाबले में, रिंकू सिंह ने गदर मचा दिया इस मुकाबले में, चारों खाने चित्त नजर आती हुई इंग्लैंड की टीम। 7 बॉलों पे चाहिए 39 रन, भारतीय टीम का स्कोर है 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पे रिंकू सिंह, 5 बॉल 28 रन, क्या छठवीं बॉल पे भी छक्का आ सकता है रिंकू के बल्ले से? क्या ऑफ साइड को अपना अड्डा बनाया है रिंकू सिंह ने, रिंकू सिंह तैयार हैं और ये चूक गए हैं रिंकू सिंह,
आखिरकार रिंकू का करिश्मा अंतिम बॉल पे चल नहीं पाया और अब भारतीय टीम को चाहिए एक ओवर में 39 रन। जी हाँ, हर बॉल पे रन बनाना आसान होता नहीं है। क्या भारतीय टीम को नो बॉल मिल सकती है इस ओवर में? अगर नो बॉल मिलती है और नो बॉल पे छक्का तो भारतीय टीम ये मुकाबला जीत सकती है। विराट कोहली 5 बॉलों पे 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब भारतीय टीम के पास समय था तब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर नहीं पाई। 6 बॉल 39 रन। सामने विराट कोहली, पहली बॉल, ये शॉट अच्छा है, 4 रन मिलेंगे, लेकिन 4 रन से कुछ होगा नहीं। भारतीय टीम ने प्रयास किया है, 4 रन बटोरेंगे। शुरुआत के बल्लेबाज बल्लेबाजी अच्छी कर नहीं पाए। दोस्तों, रिंकू सिंह का जो साहस दिखाया है, रिंकू सिंह ने जीत का प्रयास करवाया है, रिंकू सिंह के लिए 1 लाइक बनता है। भारत माता की जय बोलिए। भले ही भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाए लेकिन रिंकू सिंह ने दिल जीता है सबका। जी हाँ, रिंकू सिंह ने सबका दिल जीता है अगर भारतीय टीम हार भी जाए, क्योंकि हमें एक ऐसा विस्फोटक और फिनिशर मिला है, रिंकू सिंह। और यहाँ पे चूके हैं विराट कोहली एक बार फिर से। लगातार अच्छी बॉल, दबाव महसूस करती हुई भारतीय टीम लगातार इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ती हुई। रिंकू का जज्बा, रिंकू का हौसला और रिंकू के लिए एक शेर है। शेरों की तरह मैदान जंग में दहाड़ देता है, कागज की तरह दुश्मन को फाड़ देता है। इतिहास सदा दोहराएगा रिंकू सिंह की गाथा, क्योंकि जहां जाता है रिंकू सिंह वहां झंडे गाड़ देता है। रिंकू सिंह के लिए एक सलाम है, कमेंट कर दे रिंकू के लिए, रिंकू के जज्बे के लिए। 5वें ओवर की 3री बॉल, सामने विराट कोहली, बिल्कुल भी बल्लेबाज, ये स्टंप के बाहर है, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। जी हाँ, एक अतिरिक्त रन मिला है भारतीय टीम को। 4 बॉलों पे अभी भी चाहिए 34 रन। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम है, कभी कभी नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये देखिए रिंकू सिंह स्ट्राइक पे आ गए। विराट कोहली ने प्रयास किया था लेकिन विराट कोहली आज बल्लेबाजी अच्छी कर नहीं पाए। बची हुई 3 बॉल खेलेंगे रिंकू सिंह और देखना होगा बची हुई 3 बॉलों पे रिंकू सिंह क्या करते हैं। फिर भी भारतीय टीम ने 83 रन बनाए। रिंकू सिंह भी नहीं चल पा रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अंतिम ओवर में भारतीय टीम। लगातार दबाव में महसूस नजर आती हुई। जी हाँ, डेविड विली ने कमाल कर दिया है अंतिम ओवर, क्योंकि भारतीय टीम के हौसले अब खत्म हो चुके हैं। ये अच्छा शॉट है, ये विराट कोहली का शॉट है, ये कमाल का शॉट है, कपल ऑफ बॉल्स इनटू डिफेंस एंड गेट्स द 4 मोर, विराट कोहली। जी हाँ, भले ही भारतीय टीम हार गई और लेकर रिंकू सिंह ने दिल जीता है। 1 बॉल पे 28 रन की आवश्यकता भारतीय टीम को, ये नामुमकिन है, लेकिन जीत हार एक गेम का हिस्सा है। और अंतिम बॉल पे छक्का जड़ेंगे विराट कोहली। यहाँ ये मुकाबला भारतीय टीम हार गई है लेकिन अंतिम बॉल पे 122 मीटर का छक्का जड़ा है कोहली। दोस्तों, भारतीय टीम के हौसले के लिए लाइक कर दें। इंग्लैंड ने जीता 21 रन से यह मुकाबला, इंग्लैंड के लिए 1 लाइक बनता है। और कमेंट करें।